इस Realme 8 के बारे में बहुत ही ज़्यादा तगड़ी चीज़ें बाहर आ रही हैं कि भाई ये जो फ़ोन जब लॉन्च होगा तो कंपटीशन ही ख़त्म हो जाएगा, और भी बहुत सारी एक्साइटिंग सी टेक न्यूज़ है आज के इस TTS के एपिसोड में। सो ही व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ ज़हीर एंड दिस इज़ एपिसोड 116 ऑफ TTS टेक न्यूज़। सो लेट्स बिगिन। गाइस, TTS का मतलब ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे में बहुत ही कंसाइज मैनर में आप लोगों को टेक न्यूज देता हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन सब्सक्राइब। विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट अवर टेक न्यूज। उससे पहले भाई अगर किसी को टाइम हो तो प्लीज टाइम्स कमेंट में डाल दो, जिसका सबसे पहले आएगा उसका कमेंट जो है वो पिन किया जाएगा। विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट अवर टेक न्यूज विद द अदर कैटेगरी। तो अदर कैटेगरी में सबसे पहली न्यूज तो ये है कि सोनी ने बनाना पेटेंट किया है। जी हाँ, मतलब केले को पेटेंट किया है। उसके ऊपर ऐसा कुछ मतलब बटन्स के डिज़ाइन है, मतलब कुछ तो भी ऐसा कर रहे हैं वो लोग कि लाइक कोई भी आपका प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर आपके जो जॉयस्टिक्स है, बेसिकली जो प्ले स्टेशन के लिए जॉयस्टिक होते और जो वो होता कंट्रोलर होता, वो कोई भी ऑब्जेक्ट पर आप यूज़ कर सकते हो। वियर्ड लग रहा है, मतलब लेट्स सी गाइस। उसके बाद अगर मैं करूँ तो फ्लिपकार्ट ने वॉइस सर्च चालू कर दिया हिंदी इंग्लिश में। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट देखना है, आपको टाइपिंग करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई आप खाली बोल के भी वो प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। सो या उसके बाद अगर मैं करूँ तो जो निंटेंडो है गाइज, उसका प्रो वेरियंट आ रहा है, निंटेंडो स्विच का प्रो वेरियंट, वो भी ओलेड डिस्प्ले के साथ में, लेकिन रेजोल्यूशन कम होने वाला है। 720p रेजोल्यूशन होगा, 7 इंच की स्क्रीन में ओलेड डिस्प्ले होगा, लेकिन जो आउटपुट होगा वो 4K होगा। सो या उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सैमसंग एंड मास्टर कार्ड दोनों मिलकर एक ऐसा कार्ड बना रहे जिसके अंदर मतलब फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। बट आई एम नॉट श्योर, मतलब एक फिजिकल कार्ड जो होता है उसके अंदर बैटरी की तो जरूरत नहीं पड़ती और वो चलता है बहुत दिनों तक के, क्योंकि वो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है और वो मैग्नेटिज्म मतलब वो बेसिकली मैग्नेटिक चार्ज है वो होल्ड करके रखता है बहुत दिनों तक के। तो ये कार्ड किस तरह से काम करेगा आई हैव नो आइडिया कि भाई मतलब उसके लिए, क्योंकि फिंगरप्रिंट स्कैनर है तो उसके लिए तो पावर तो लगेगा। अब क्या ये लोग मतलब ऐसा कुछ सिस्टम बनाने वाले, कार्ड अपने फ़ोन से अटैच करके रखो और फ़ोन के थ्रू वायरलेसली चार्ज होगा, क्या कर रहे हैं आई हैव नो आइडिया। बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला एक पेमेंट वाला कार्ड सैमसंग एंड मास्टर कार्ड दोनों मिलकर बना रहे हैं। सो या अलग सी देखते गई। सो ये थी मेन अदर कैटेगरी की न्यूज़। अभी हम लोग स्मार्टफोन की तरफ बढ़े तो भाई यहाँ पर सबसे पहले माधव सेठ ने बड़ा वाला बॉम्ब दिया है। बड़ा वाला बॉम्ब ये दिया है कि भाई उन लोग ने मतलब बोला है वो जो 4321 ऐसा कुछ मतलब मनु जैन ने कि भाई ये तारीख को लॉन्च होने वाला है। माधव सेठ ने कहा कि भाई अभी जब हमारा Realme 8 आएगा तो कंपटीशन सारा खत्म हो जाएगा। तो भाई मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही तगड़ा कंपटीशन वाला या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन लोग Realme 8 सीरीज़ पे काम करें जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, पता नहीं भाई। लेट्स सी, अभी बहुत सारे रूमर्स ये भी आ रहे कि मार्च मंथ में ही उसका लॉन्च इवेंट है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा खबर आई है कि भाई जो Realme 8 Pro होगा उसके अंदर 720G प्रोसेसर होगा। व्हाट इज़ दिस, मतलब 720G होगा तो फिर आई एम नॉट श्योर, बट लेट्स सी गाइस क्या कर रहे हैं ये लोग, मेरे को समझा नहीं है। लेट्स सी। उसके बाद अगर मैं करूँ तो जो Redmi K40 है, अब वो सुनने में आता है कि वो POCO F3 बनके या POCO F2 बनके इंडिया में आएगा, लेकिन अभी XDA के थ्रू पता चला है कि भाई POCO F3 बनके नहीं आएगा, वो जो फ़ोन है वो Mi 11X बनके आएगा और जो K40 Pro है वो Mi 11X Pro बनके आएगा। क्या कर रहे हैं ये लोग, खुद भी कर रहे, खुद कंफ्यूज हो रहे, दुनिया को भी कंफ्यूज कर रहे, समझ में नहीं आ रहा भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो Realme GT जो लॉन्च हुआ था भाई, उसका नियो वाला वर्जन भी आ रहा है। जी हाँ, Realme GT नियो कुछ टाइम में लॉन्च हो सकता है और इसके अंदर जो प्रोसेसर होगा वो Dimensity 1200 होगा। सो भाई Dimensity 1200 मतलब 1000 प्लस तो मैंने यूज़ किया भाई, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, लेकिन 1200 भी अच्छा ही होगा, ऑफकोर्स उससे भी ज़्यादा बेटर है 1200। लेट्स सी गाइस। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक Redmi का नया फ़ोन आने वाला है, Redmi Note 10 5G करके। अब देखो कैसा है, Redmi Note 10 5G होगा ना जो, वो 700 बेस्ड होगा और ऐसा सुनने वाले को Note 10 5G होगा, उसका रीब्रांड होके इंडिया में आएगा POCO M3 Pro बनके। पता नहीं क्या हो रहा भाई, क्या कर रहे हैं ये लोग, समझ में नहीं आ रहा। और POCO X3 Pro के बारे में भी कुछ लीक्स आए कि भाई उसके अंदर एक जो डिस्प्ले होगा वो 120Hz होगा, लेकिन एमोलेड होगा ये अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। जी हाँ, गोरिल्ला ग्लास 6 खरीद यहाँ भाई, क्योंकि POCO X3 Pro मोस्ट प्रोबेबली 20,000 के नीचे ही होगा। सो या लेट्स सी। उसके बाद अगर बात करूँ तो जो MI का मिक्स सीरीज आता था, तो MI मिक्स में मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता था Xiaomi वाला। अभी जो MI मिक्स 4 आने वाला है उसमें 3-4 फ़ोन होंगे शायद से, और सारे फ़ोन्स फोल्डेबल्स होंगे। जी हाँ, लिटरली फोल्डेबल फ़ोन आएंगे Xiaomi की तरफ से, मज़ा आने वाला है। लेट्स सी गाइस। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सैमसंग ने अपना सैमसंग गैलेक्सी Xcover जो है वो रगेड वाले स्मार्टफोन उनको लॉन्च कर दिया है यूरोपियन मार्केट में, और उसकी प्राइसिंग लगभग 20 से 25,000 रुपये के बीच में आई है, 25,000 के आसपास है। तो
हाँ मतलब प्रोसेसर काफ़ी पुराना है, बट लेट्स सी गाइस किसको इसमें एक रगेड फोन में किसको इंटरेस्ट है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नूबिया ने अपना नूबिया रेड मैजिक 6 करके एक नया फोन जो था इतने दिन से टीज हो रहा था, अब वो फाइनली लॉन्च हो गया। इसके अंदर भाई स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है, 165 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट है। जी हाँ, 165 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट है। उतना एडवांटेज भी कोई गेम ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा मेरे को वो आइडिया नहीं है, बट लेट्स सी गाइस। और जो उसका प्राइस है भाई, उसका प्राइस बहुत तगड़ा है, 41,000 में 165 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट एंड मतलब 41-42,000 के आसपास आता है। उसके अंदर 165 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट है, स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है भाई। इंडिया में तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, बट लेट्स सी। उसके बाद मैं बात करूँ तो वीवो का X60 सीरीज जो है वो मार्च में ही लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, अभी ओप्पो के, वीवो के, वन प्लस के सबके फ़ोन्स आने वाले भाई, ये मंथ बहुत ही ज़्यादा फ़ोन्स आने वाले भाई। जब फ़ोन्स की बात करूँ तो रियलमी के जो दो फ़ोन्स थे अभी जो रियलमी ने लॉन्च किया, नार्जो 30 प्रो और नार्जो 30 ए, ये दोनों को मैंने बुकिंग कर दिया था। अभी आज शायद उनकी डिलीवरी है, तो एक दो दिन में आप लोग एक्सपेक्ट कर दो कि उनकी अनबॉक्सिंग आने वाली है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मोटोरोला के दो न्यू फ़ोन्स आने वाले, 9 मार्च को उनका लॉन्च इवेंट है। एक मोटो का जी सीरीज का, बेसिकली मोटो G10 एंड मोटो G30। लेट्स सी गाइस क्या रहता है इसमें, कैसा रहेगा। सो या गाइस, ये थी मेन स्मार्टफोन की न्यूज़। अभी हम लोग गैजेट्स की तरफ बढ़े तो भाई यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ तो आईपैड की है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर जो आईपैड्स होंगे उनके अंदर ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, एंड दैट इज क्रेजी, लिटरली क्रेजी, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पर ओलेड को एक्चुअली में अच्छे से यूज़ कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एज वेल एज अभी देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो ओलेड डिवाइसेस है वो आ रहे हैं और ओलेड के पीछे सब पब्लिक पागल हो गई है। लेकिन अभी बड़ी बात यह है कि सैमसंग भी सस्ते टैबलेट्स पे काम कर रहा है, लाइक सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 जो लाइट वर्जन था वो भी लॉन्च होने वाला है, और सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट भी लॉन्च होने वाला है। सो क्या कर रहा है सैमसंग, अभी कुछ ही टाइम में उसका भी लॉन्च हो जाएगा, तो स्टे ट्यून रहिए। बाकी अगर आपको चाहिए कि मैं टैबलेट की वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो, मैंने अभी तक एक भी टैबलेट की वीडियो तो नहीं बनाई अपने चैनल पर, बट अगर आपको चाहिए रहेगा तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा परचेज करके बनाने को, बाकी लेट्स सी। सो गाइस, ये थी मेन गैजेट्स की न्यूज़। अगर हम पीसी वर्ल्ड की तरफ बढ़े भाई तो यहाँ पे भी तगड़ी तगड़ी न्यूज़ है। सबसे पहली न्यूज़ तो ये है कि भाई जियो अपने खुद के लैपटॉप पर काम कर रहा है। जी हाँ, जियो का लैपटॉप आएगा जिसका नाम होगा जियो बुक, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर बेस्ड होगा, एज वेल एज इसके अंदर जियो का खुद का ओएस होगा, जियो ओएस करके ये लोग काम कर रहे हैं, बेसिकली कस्टमाइज एंड्रॉइड वर्जन होगा। सो या लेट्स सी गाइस क्या करते हैं भाई, कुछ ढंग का करें, कुछ सस्ते में और ढंग का मज़ेदार होना, तो फिर सीरियसली एक्चुअली में मज़ा आएगा। उसके बाद अगर मैं मैकबुक की बात करूँ तो जब आईपैड की न्यूज़ आई तो मैकबुक की भी न्यूज़ आ रही है साथ में, कि भाई मैकबुक के अंदर भी सेम ओलेड डिस्प्ले हो सकता है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी क्रेजी भाई, लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत तगड़ी न्यूज़ है ये, लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद अगर बात करूँ तो भाई जो इंटेल के न्यू प्रोसेसर है रॉकेट लेक वाले, उसका पूरा पूरा रिव्यू आ गया भाई आनंद टेक के उधर, वो पूरा एम्बार्गो ब्रेक वगैरह, मतलब मज़ेदार सीन है उधर पूरा, और बोल रहे कि भाई बहुत गर्म होता है जो इंटेल के जो न्यू वाले प्रोसेसर है, तो ये पीआर का काम है क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इंटेल वाले भी कुछ नहीं बोल रहे, तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाई देखो इंटेल वाले कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा बहुत गर्म है आनंद टेक, ठीक है। और उसके बाद में मालूम पड़े कि भाई एक्चुअल में गर्म नहीं होता है, तो अभी पब्लिक के नज़र में जो अभी लॉन्च होने से पहले पब्लिक के नज़र में नेगेटिव मार्केटिंग हो जाए, मतलब पब्लिक सोचे कि बहुत ख़राब है, ये है वो है, तो जो एक्सपेक्टेशन है जो बार है वो कम हो जाए, ठीक है। और फिर जिस दिन लॉन्च हुए उस दिन उतना गर्म नहीं हो रहा हो तो भाई ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इंसान की लो हो चुकी है, तो अगर थोड़ा भी अच्छा हुआ उससे तो लोगों को लगे हाँ हाँ भाई अच्छा अच्छा, तो ये भी मार्केटिंग टेक्निक हो सकती है, बट आई एम नॉट श्योर, ये मेरा पर्सनल कुछ ऐसा एनालॉजी मैंने लगाया है, मतलब ऐसा मैंने कहीं सुना नहीं है, कुछ श्योरिटी नहीं है, बट मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, बट लेट्स सी गाइस, ये थी मेरी एनालॉजी। बाकी इतना ही बोलना था मुझे आज के इस TTS के एपिसोड में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटे के आइकन को भी दबा दो, ताकि फ्यूचर में इसी तरीके की क्वालिटी के टेक वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।